अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है लार्ज सेगमेंट डिलीशंस। पहले हम क्या देखा था, हमने फर्स्ट एड की बुक से, लेट मी ओपन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की बुक से हम पढ़ रहे थे म्यूटेशंस, डीएनए म्यूटेशंस, ये हमने पढ़ लिया था। ये तीनों पढ़ ली थी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ लिया था। तो सप्लाइड साइट म्यूटेशन रहती थी, तो इसके अलावा कुछ और म्यूटेशंस भी होती हैं जो फर्स्ट एड की बुक में नहीं लिखी गई, तो उसका हम अपनी बुक से पढ़ेंगे एडम्स क्रिएटिव सोल्यूशन से। तो ये लार्ज सेगमेंट डिलीशन भी वहाँ पर नहीं लिखे गए, इसको हम यहाँ से देखेंगे, फिर इसके बाद हम मूव करेंगे उस तरफ और फर्स्ट एड की बुक से भी हम इसका रिव्यू करेंगे। सो लार्ज सेगमेंट म्यूटेशंस ये क्या होती है? लार्ज सेगमेंट म्यूटेशन ये होती है कि लार्ज सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी डिलीटेड फ्रॉम अ क्रोमोसोम ड्यूरिंग अनइक्वल क्रॉसओवर इन मियोसिस। अब यहां पर दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, जब तक आपको वो दो लफ्ज समझ नहीं आएंगे तो आपको लार्ज सेगमेंट डिलीशन समझ नहीं आएगी। लफ्ज है आपका अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर और दूसरा है मियोसिस, आपको इनका पता होना चाहिए। सो मियासिस आपको पता है कि सेल डिवीजन में मियासिस होती है कि एक सेल से कितने बनते हैं, चार। कितने बन जाते हैं, चार, और इनमें जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो क्या होती है, आधी। मतलब अगर इसमें 46 है तो इसमें 23, इसमें 23, इसमें 23, इसमें भी 23, और ये जो बनते हैं ये आपके स्पर्म्स या फिर एग सेल्स की फॉर्मेशन में आपकी मियोसिस काम आती है, ये तो आपको पता है। अगर मैं यहाँ पर पूछूं एक क्वेश्चन, वो सिंपल सा ये है कि यहाँ पर तो 46 क्रोमोसोम्स है और यहाँ पर 46, 46, 92 है, ये क्या है? तो ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा कि सर मियोसिस वन एंड मियोसिस टू होती है, और इसमें मियोसिस वन के दौरान क्या होती है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स की पहले डुप्लीकेशन होती है, 92 हो जाते हैं, फिर उनमें जो है ना ये 23, 23, 23 और 23, चार आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो मियोसिस ये होती है कि इसमें आपका एक सेल डिवाइड होकर चार बना देता है और उसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है, ये मियोसिस होती है आपकी। इसी मियोसिस के दौरान एक और प्रोसेस होता था जिसको हम बोलते थे क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में ये होता है कि आपका ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों के हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिफरेंशिएट पता है आपको? होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड्स में और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिफरेंस पता है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा देखें, आपकी बॉडी में, एक ह्यूमन की बॉडी में कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के? 23 पेयर्स होते हैं, यानी टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। अब लेट्स सपोज दैट कि ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये एक पेयर हो गया, ठीक है, इसी तरह दूसरा पेयर हो गया, इसी तरह तीसरा, तो इसी तरह इन पेयर्स को एक से लेकर 23 तक नंबरिंग दी जाती है कि ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर। तो ये आपके क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं इस तरह। अब हम क्या करते हैं कि ये जो पहला पेयर है, ये वाला पहला पेयर, इसमें ये दो क्रोमोसोम्स है ना, और लेट्स सपोज दैट जब ये बन रहा होता है तो इसमें से एक क्रोमोसोम का जो जोड़ा है वो होता है पैटर्नल और एक होता है मैटर्नल। कि जब बच्चे की पैदाइश होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो एक क्रोमोसोम आता है बाप से, एक क्रोमोसोम आता है मदर से। तो ये जो पेयर नंबर वन है, या कोई भी पेयर ले लें, पेयर नंबर टू ले लें, थ्री ले लें, 23 ले लें, कोई भी ले लें, उसमें दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम होता है पेटर्नल, एक होता है मेटर्नल, एक फादर से और एक मदर से, ठीक है। तो ये आपके क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम हो गए, ये दोनों क्रोमोसोम कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, इनको क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये है आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि जो जीन्स इस क्रोमोसोम के पास होंगे वही सेम जीन्स दूसरे क्रोमोसोम के पास होंगे, जेनेटिकली सेम। मतलब अगर इनमें जो क्रोमोसोम है वो जीन वन है तो इधर भी
इधर भी जीन वन ही होगा, इधर भी कौन सा होगा, जीन वन होगा। मतलब अगर इधर एक लेट्स सपोज दैट यहां पर जो जीन है वो आपके हेक्सोज माइरिटेज एंजाइम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, सॉरी जो पैटर्नल में जो जीन था वो कौन सा जीन था जो आपके इस एंजाइम को कंट्रोल कर रहा है, तो सेम जीन आपके इस क्रोमोसोम पर होगा, सेम जीन दूसरे क्रोमोसोम पर होगा। तो ये होते हैं होमोलोगस, कि वो सेम है लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि अगर इसका जीन वन का, इनके जीन्स का सीक्वेंस चेंज होता है, कि अगर यहां पर जीन वन है तो यहां इसके ऊपर जो जीन होगा, इसके ऊपर जीन वन होगा वो यहां पर होगा, पोजीशन डिफरेंस होगी, सीक्वेंस डिफरेंस होगा। ये होते हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स, कि बाकी बिल्कुल सेम है, जो जीन मैटरनल के पास है वही मैटरनल के पास है, लेकिन उनका सीक्वेंस, उनकी पोजीशन क्या है, चेंज है। दीज आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोग कोई भी पोजीशन हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अपोजिट पोजीशन होगी, सीक्वेंस चेंज होगा, जीन जो है ना वो आगे पीछे होंगे, उनकी पोजीशन सेम, लोकस उनका सेम नहीं होगा, लोकस उनका डिफरेंट होगा। समझ आ गई है होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अब इनसे हम डिफरेंशिएट करते होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स को, किनको, सिस्टर क्रोमेटिड्स को। अब इसमें क्या होता है, अब सिस्टर क्रोमेटिड्स ये होते हैं कि जब आपका एस फेज आता है, कौन सा एस फेज, आपको पता है एस फेज के दौरान क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, डबल। इसका मतलब है कि जो हर पेयर है वो डबल होगा, है ना, 23 पेयर होते हैं तो 46 पेयर बन जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो 92 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं एस फेज के दौरान। अब मतलब हर पेयर डबल होगा, पेयर नंबर वन में कितने क्रोमोसोम है, दो, यानी एक पेयर है, तो इसमें कितने क्रोमोसोम थे, दो। अब इसी पेयर नंबर वन में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, चार क्रोमोसोम हो जाएंगे, या कहते हैं एक पेयर है तो कितने पेयर बन जाएंगे, दो पेयर। ये कैसे बनते हैं, अब ये वाला क्रोमोसोम जो कि पैटर्नल था, जो कि पैटर्नल था, ये था, अब इसी ने बिल्कुल हूबहू अपनी कॉपी बना ली ये, और इसी तरह जो आपका मैटरनल था, जो मैटरनल था उसने हूबहू अपनी कॉपी बना ली। अब कितने क्रोमोसोम हो गए, चार क्रोमोसोम हो गए, कितने क्रोमोसोम हो गए, चार क्रोमोसोम, फोर क्रोमोसोम्स हो गए, पहले कितने थे, दो। अब ये दोनों आपस में बिल्कुल हूबहू कॉपीज है, क्योंकि इनकी जो हमने कहा कि जो डीएनए से डीएनए जो बनता है, क्रोमोसोम से जो क्रोमोसोम बनता है बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होता है, तो ये क्रोमोसोम बिल्कुल सेम है। दीज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स, दीज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। इनके ऊपर जीन्स भी सेम है और जीन्स की लोकेशन भी सेम है, जीन की पोजीशन भी सेम है, ईच एंड एवरीथिंग सेम है। इसमें जीन्स तो सेम थे होमोलोगस में, लेकिन उनकी पोजीशन क्या थी, चेंज थी, सीक्वेंस चेंज था, लेकिन ये तो हूबहू कॉपी है, बिल्कुल बिल्कुल हूबहू कॉपी, फोटो कॉपी है, जीन भी सेम, सीक्वेंस भी सेम, पोजीशन भी सेम, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। तो ये होते हैं आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स। समझ आ गया सिस्टर क्रोमेटिड एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बाकी बात है रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है इसको। अच्छा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ये होते हैं कि आपके एक ये था मैटरनल और एक ये था पैटर्नल। अब ये क्रोमोसोम इधर से देखें, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, दो, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं। इधर से आप ये वाला ले लें क्रोमेटिड, इधर से ये वाला, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दो दो, ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब हूबहू फोटोकॉपी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मीन दैट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पार्ट्स है। समझ आ गई चीज, होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। हाँ हाँ, एक पैटर्नल से होगा, एक मैटरनल से होगा, नहीं जीन्स सेम होंगे लेकिन उनकी पोजीशन लोकेशन डिफरेंस होगी, ठीक है, होंगे वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, क्योंकि वो होमोलोगस से आए हैं लेकिन उनकी पोजीशन और सीक्वेंस वगैरह चेंज होगा। समझ आ गया है, ये तीनों चीजें, ये अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती, इवन के एंड तक समझ नहीं आती, जेनेटिक्स का थोड़ा सा ये होता है कि ये वैसे आसान था, है ना। चलें जी, अब देखें क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, मियोसिस में जो होती है क्रॉसिंग ओवर, अब आपको समझ आ जाएगी। क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, अब इधर से ये क्रोमोसोम पैटर्नल, ये मैटर्नल, अब पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, मतलब इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स,
हूबहू फोटो कॉपी है, लेकिन इधर से ये और इधर से ये क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आई होप के आपको समझ आ गए होंगे। अब होमोलोगस क्रोमोसोम में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये अपने सेगमेंट्स करते हैं एक्सचेंज। अपने सेगमेंट्स क्या करते हैं? एक्सचेंज। कि ये लेट्स सपोज दैट यहां से जो सी कैपिटल है ये वाला, ये इसको देगा और इससे जो सी स्मॉल है वो इसे ले लेगा। ये देखें, ये इसका, ये देखें यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये इस तरफ आ गया और ये इस तरफ आ गया। जब क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है तो नेक्स्ट जो बनना है आपका, ये देखें, ये सी जो ये छोटे वाला सी था, ये वाला, ये इसके पास चला गया है और इसके पास ये वाला जो सी था वो इसके पास चला गया। होगी ना इनके एक्सचेंजमेंट, इनके सेगमेंट इन्होंने अपने चेंज कर लिए, एक्सचेंज कर लिए। अब ये जो अपने सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और ये क्या होते हैं? रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, मतलब कि आपके डाइवर्सिटी आ जाती है। देखें, चेंजमेंट्स आ गई ना, कि पहले इसमें मैटरनल में सिर्फ मैटरनल था, अब मैटरनल में क्रोमोस जो जीन्स हैं वो पैटर्नल भी आ गए, और जो पैटर्न सॉरी जो मैटरनल था उसमें पैटर्नल आ गए, और जो पैटर्नल था उसमें मैटरनल आ गए। तो डाइवर्सिटी हो जाती है, क्या हो जाती है? डाइवर्सिटी हो जाती है। समझ आ गई ये चीज? ये रिकम्बिनेंट आपके क्रोमो, ये होती है आपकी इक्वल, इक्वल क्रॉसिंग ओवर हुई है। क्या हुई है? इक्वल। तो आपको मियोसिस समझ आ गई, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड क्रॉसिंग ओवर समझ आ गई। अब इसी क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक प्रोसेस होता है अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। क्या होती है? अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। इस अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर के दौरान, यानी क्रॉसिंग ओवर के दौरान अगर अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो उसमें आपके डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं, और ये होती है आपकी म्यूटेशन। हम म्यूटेशन की तरफ मूव कर रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान म्यूटेशन कैसे होती है। उसमें ये होती है कि लेट्स सपोज दैट, देखें ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये वाला ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक है मैटरनल, इसको आप ले लेंगे ये मैटरनल है और ये क्या है? पैटर्नल है। अब इनमें हो रही है क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर होनी चाहिए तो क्रॉसिंग ओवर में ये है कि अगर वो कोई सेगमेंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये इसको अगर दे रहा है दो, तो इससे ये वाला दो ले लेगा, ऐसे नहीं, इसको एक, इसने एक अपना सेगमेंट दिया और इसे अपना सेगमेंट क्या कर लेगा? ले लेगा, ठीक है। अगर ये इसको तीन दे रहा है तो इससे तीन ले लेगा। नहीं समझ आई ये चीज? अभी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, अभी सिंपल क्रॉसिंग ओवर ही बता रहा हूँ, अभी अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर नहीं बता रहा, अभी मैं सिंपल क्रॉसिंग ओवर कह रहा हूँ। कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होना चाहिए? क्रॉसिंग ओवर में ये होना चाहिए कि ये जब क्रॉसिंग ओवर होगी, अब ये जो पैटर्नल है ये मैटर्नल है। पैटर्नल कहता है कि यार हम थोड़ी सी चेंजमेंट्स लेके आए, कि मेरे पास भी 10 रुपए हैं, तुम्हारे पास भी 10 रुपए हैं, वो 10 रुपए तुम मुझे दे दो, मेरे वाला 10 रुपए तुम ले लो, ठीक है। अब वो कहता है कि तुम जो है ना यहाँ से दो ले लो और मुझे अपने वाला दो दे दो। क्यों? ताकि एक डाइवर्सिटी आ जाए, रिकम्बिनेट आ जाए, कि मेरे पास चीजें न्यू हो जाए और तुम्हारे पास चीजें क्या हो जाए? न्यू हो जाए। सेगमेंट्स में, सॉरी, सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाएंगे, उनके ऊपर जो जीन्स है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, कि इनका जो जीन है वो इसके, इसके पास डाइवर्सिटी हो जाएगी, इसके जीन्स इसके पास, इसके जीन्स इसके पास। अब इक्वल क्रॉसिंग ओवर तो यही होनी चाहिए थी कि इसने जितना अपना सेगमेंट इसको दिया, इसने जितना सेगमेंट इसको दिया, इससे उतना सेगमेंट ले लिया। ये तो है आपकी इक्वल क्रॉसिंग ओवर। अब अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? अनइक्वल में ये होती है कि अब जो ये वाला था, ये वाला, इसने इससे दो भी ले लिया और जीन नंबर तीन भी ले लिया, लेकिन इसको कुछ नहीं दिया। हालांकि होना ऐसे चाहिए था कि आपके मैटरनल ने जितना लिया, पैटर्नल को उतने इसको देने भी चाहिए थे, उतने सेगमेंट, लेकिन इससे, इसने सेगमेंट नंबर टू और सेगमेंट नंबर थ्री ले लिया, लेकिन इसको कुछ भी नहीं दिया। ये है अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। ये क्या है? अनइक्वल, कि उसने जितना, उसने इंसाफ नहीं किया। अब ये अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर किस तरह है कि आप देख रहे हैं कि इसमें हो रही है एडिशन, है ना, इसमें एक्स्ट्रा जीन्स ऐड हो रहे हैं, और इसमें क्या हो रही है? डिलीशन, इसमें कुछ जीन्स क्या हो रहे हैं? डिलीट हो रहे हैं। तो ये होती है आपकी अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर समझ आ गई? अब इसमें जब एक्स्ट्रा जीन्स ऐड हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एडिशन, एंड एडिशन इज अ काइंड ऑफ म्यूटेशन। तो इस तरह आपकी क्या हो जाएगी? म्यूटेशन हो जाएगी इसमें। और यहां पर जो जीन्स डिलीट हो जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगी? डिलीशन, डिलीशन इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो यहां पर क्या हो गई? म्यूटेशन। तो इस तरह क्रॉसिंग ओवर में आपकी क्या होती है? म्यूटेशन होती है। समझ आ गई है? नेक्स्ट डायग्राम से देख लें।
आपको समझ आ जाएगा। क्रॉसिंग ओवर हुई, अब जब इनके दरमियान ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो सेगमेंट्स बराबर बराबर, अगर ये इसको ये वाला सेगमेंट देता है तो इसे एक सेगमेंट ले लेना चाहिए इसको। लेकिन हुआ क्या है कि इस वाले ने, लेट्स सपोज आप इसको कर ले, इस वाले ने इसको आप कर ले मेटरनल, इसको कर ले पेटर्नल। अब जो ये पेटर्नल वाला था, ये वाला, ये रेड वाला, पेटर्नल वाले ने तीन ले लिए सेगमेंट्स और मेटर्नल वाले को कुछ नहीं मिला, तो इधर क्या हो गई है डिलीशन, इधर क्या हो गई है एडिशन। तो क्रॉसिंग ओवर समझ आ गई है, पक्की बात है। इसकी रीडिंग करें हम, अब आपको समझ आएगी रीडिंग। लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी डिलीटेड फ्रॉम अ क्रोमोसोम ड्यूरिंग अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस। समझ आ गई लाइन अब ये वाली, नहीं समझ आई? वो कहता है कि लार्ज सेगमेंट जो है वो डिलीट हो जाते हैं या एड हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर के दौरान। चलिए जी, अब क्या है क्रॉस ओवर और रिकॉम्बिनेशन। इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ मियोसिस वन इन विच द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स बिटवीन देम एंड रिजल्टेंट क्रोमोसोम्स आर मिक्सचर ऑफ मेटरनल एंड पेटर्नल एलील्स कॉजिंग रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड लो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज डिलीटेड। डिलीट कुछ भी नहीं हुआ, क्या हो गया हमें डाइवर्सिटी आ गई, अपने सेगमेंट्स क्या कर दिए एक्सचेंज कर दिए। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, समटाइम्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर वन ऑफ द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स लूजिंग इंफॉर्मेशन, एक डिलीट कर देता है एंड वन गेन्स एक्स्ट्रा जीन्स, उसमें क्या हो जाती है एडिशन हो जाती है। समझ आ गया? डिड यू गेट द पॉइंट अबाउट क्रॉसिंग ओवर, अबाउट इक्वल क्रॉसिंग ओवर, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड आल्सो अबाउट द मियोसिस एंड एज वेल एज लार्ज सेगमेंट डिलीशंस म्यूटेशंस एज वेल। समझ आ गया ये सारी चीजें? सो मूव फॉरवर्ड, इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं। इनके एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल है अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, इसमें यह है कि इट इज अ वेल एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिजीज इन विच अल्फा जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्फा। अब इसमें क्या होता है कि हाँ जी देखते हैं ये, हम इसको अभी देख, इसकी एग्जाम्पल हम देखने लगे, समझ लें इसको कि इसमें क्या होते हैं आपका क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम पेयर नंबर 16, ये उनके होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। दो मैंने दोनों एक ही कलर से बना दिए हैं, इट डजंट मीन दैट कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मैं कह रहा हूं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन दोनों के दरमियान क्या होनी चाहिए थी, क्रॉसिंग ओवर। जब अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होती है तो एक के पास जिस, अब एक के पास जो क्रोमोसोम नंबर 16 होता है उसमें जो है ना आपके जो अल्फा जीन्स होते हैं कौन से, वो डिलीट हो जाते हैं, लार्ज सेगमेंट डिलीशन, अल्फा जीन्स क्या हो जाते हैं डिलीट। और ये जो अल्फा जीन्स होते हैं इनका नाम होता है HBA1 एंड HBA2। ये अल्फा, देखें हीमोग्लोबिन की कितनी चेन्स होती हैं, चार, दो अल्फा चेन्स दो बीटा चेन्स। अब अल्फा जीन्स है तो मतलब कौन सी चेन्स बना रहे होंगे, अल्फा चेन्स। अब दो जीन्स हैं HBA1 HBA2, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2, यानी दो चेन्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये दो चेन्स बनाते होते हैं, इसमें क्या है कि आपके जब ये जीन्स ही नहीं बनेंगे, ये डिलीट हो जाएंगे क्रॉसिंग ओवर के दौरान, अल्फा जीन्स दोनों डिलीट हो गए हैं, तो क्या आपकी अल्फा चेन बनेगी, हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन बनेगी, नहीं। जब हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन नहीं बनेगी क्या हीमोग्लोबिन बनेगी, नहीं बनेगी। सो इट विल कॉज द अल्फा थैलेसीमिया, इट विल कॉज द अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया समझ आ गई है कि अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि आपके जो अल्फा ग्लोबुलिन चेन बनाती है हीमोग्लोबिन की, दो जीन्स कौन से, अल्फा जीन्स होते हैं, कौन से, अल्फा जीन्स, और उनके नाम क्या होते हैं HBA यानी अल्फा जीन्स। ये दोनों जीन्स क्या हो जाते हैं डिलीट, इज डिलीटेड एट क्रोमोसोम नंबर 16 बिकॉज ऑफ अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, सो डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जब हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन्स नहीं बनेगी तो मतलब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। समझ आ गया अल्फा थैलेसीमिया, या मैं इसको रिपीट करूं, रिपीट करने की जरूरत है, चलो मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। वो कहता है कि जो आपका क्रोमोसोम नंबर 16 है, क्रोमोसोम नंबर 16, उसमें आपकी अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होती है और उसमें जो है ना आपके जो टू अल्फा जीन्स होते हैं, टू अल्फा जीन्स, ये हो जाते हैं डिलीट। जब अल्फा जीन्स डिलीट हो जाते हैं तो ये अल्फा जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन बनाने में, हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन्स। जब हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन्स नहीं बनेगी सिर्फ बीटा चेन्स बनेगी तो मतलब हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन क्या हो गई है, कम हो गई है, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, इट इज कॉल्ड अल्फा थैलेसीमिया। समझ आ गई है, बाकी बात है। आगे देखें, आगे है ट्राई टू चैट डिजीज हैपेंस व्हेन बिकॉज ऑफ डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5।
अब ये क्या कहता है, क्रॉसिंग वॉर हो रही थी इन दोनों के दरमियान, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर 5, जब क्रॉसिंग वॉर हुई, देखिए आपके क्रोमोसोम की दो आर्म्स होती है, एक होती है शॉर्ट आर्म, एक होती है लॉन्ग आर्म। अब वो कहता है जो शॉर्ट आर्म होती है इसमें क्या हो जाती है, डिलीट। क्रॉसिंग वॉर, अनइक्वल क्रॉसिंग वॉर हुई, शॉर्ट आर्म क्या हो गई, डिलीट। कहां पर, क्रोमोसोम नंबर 5 पर शॉर्ट आर्म क्या होगी, डिलीट। जब शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाती है तो फिर आपको जो डिजीज होती है वो आपको कौन सी डिजीज होती है, क्रेडुचेट डिजीज। अब क्रेडुचेट डिजीज में आपको क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या आ रहे होते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स आपको ये आ रहे होते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन, आपकी थिंकिंग पावर, आपकी डिसीजन पावर, आपका मेंटल लेवल जो है आपका क्या हो जाता है, लो। मैक्रोसेफेली, आपका हेड क्या हो जाता है, बच्चे का स्मॉल होता है जब वो पैदा होता है। वाइट सेट आईज, वाइट सेट आईज क्या होती है, वाइट सेट आईज ये होती है कि ये बंदे का फेस है, ये उसकी आईज है, ये बीच में नाक है। तो वाइट सेट आईज ये होती है कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, एक आंख से दूसरी आंख के बीच में जो डिस्टेंस है, ये ज्यादा होता है किससे, यहां से लेकर यहां तक। एक आई की जो वेड्थ होती है, एक आई की जो वेड्थ होती है, ये आई में छोटी बना रहा हूं, एक आई की वेड्थ होती है वो इस वेड्थ से कम होती है, इस वेड्थ से क्या होती है, कम होती है, दैट इज कॉल्ड वाइड सेट आईज। समझ आ गया, वाइड सेट आईज कि आपकी एक आंख से दूसरी आंख के दरमियान वाला ये जो हिस्सा होता है, ये डिस्टेंस ज्यादा होता है किससे, आपकी आंख की लेंथ से, कॉर्नर टू कॉर्नर। आंख के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ देखें और इनके बीच का डिस्टेंस देखें, तो बीच वाला डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। ये आपकी वाइड सेट आईज होती है। और एक होती है क्लोज्ड सेट आईज, कि ये वाला डिस्टेंस कम होता है आपकी आंख की, ठीक है, ये सब उसको अलर्ट होगा क्लोज सेट आईज, ठीक है। समझ आ गया, वाइट सेट आईज, वाइट सेट आईज एंड किटन लाइक क्राई, क्राइंग लाइक कैट, ये सिम्टम आपको नहीं भूलना चाहिए इसका। अगर ये वाला सिम्टम हो, ये सिम्टम आपको नहीं भूल, क्राई टू चैट डिजीज का सिम्टम, ये वाला आपको नहीं भूलना चाहिए, किटिंग लाइक क्राई, ये बच्चा जो है ना वो कैट की तरह जो है ना क्राई करेगा, बिल्ली की तरह। समझ आ गई आपको ये म्यूटेशंस, लार्ज सेगमेंट डिलीशन वाले म्यूटेशंस। नेक्स्ट हमारे पास म्यूटेशंस इन स्प्लाइस साइट्स। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब यूकेरियोट्स के अंदर ये आपका डीएनए होता है, डीएनए में होती है ट्रांसक्रिप्शन, उससे क्या बनता है, आरएनए, आरएनए में होती है ट्रांसलेशन, उससे क्या बनता है, प्रोटीन्स बनती है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब जब ये प्रोसेस हो रहा होता है आपके यूकेरियोट्स में, तो डीएनए से जो आपका आरएनए बनता है, या मैसेंजर आरएनए समझ ले, दिस मैसेंजर आरएनए इज नॉट मैच्योर मैसेंजर आरएनए, ये मैच्योर नहीं बनता, ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं प्री मैसेंजर आरएनए, क्या बोलते हैं, प्री मैसेंजर आरएनए या इमैच्योर मैसेंजर आरएनए, या इसका एक और नाम होता है हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स जब होती है तो आपके डीएनए से जो आरएनए बनता है या मैसेंजर आरएनए जो बनता है वो प्री मैसेंजर आरएनए होता है, इमैच्योर मैसेंजर आरएनए होता है, या उसका दूसरा नाम होता है हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, वो मैच्योर नहीं होता, वो ये वाला होता है। अब ये प्री मैसेंजर आरएनए फिर मैच्योर होता है, क्या होता है, मैच्योर, और फिर जाके ये बनता है मैच्योर मैसेंजर आरएनए, क्या बनता है, मैच्योर, और फिर मैच्योर मैसेंजर आरएनए से फिर क्या बनता है, ये प्रोटीन जाके बनती है। अब मैं पहले क्या कह रहा था, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि डीएनए से बनता है आपका, ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन, ट्रांसलेशन होती है। अब मैं यूकेरियोट्स में एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, मैंने वो पॉइंट कौन सा ऐड किया है, मैं कहता हूं डीएनए में होती है ट्रांसक्रिप्शन और क्या बन जाता है, प्री मैसेंजर आरएनए। अब इसी प्री मैसेंजर आरएनए में एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है स्प्लाइसिंग, क्या नाम होता है, स्प्लाइसिंग, और यही प्री मैसेंजर आरएनए फिर क्या बन जाता है, मैच्योर मैसेंजर आरएनए, फिर इसी मैच्योर मैसेंजर आरएनए में क्या होती है, ट्रांसलेशन, फिर बनती है प्रोटीन। अब मैंने एक पॉइंट इसमें ऐड किया है, वो क्या है, स्प्लाइसिंग, कौन सा पॉइंट ऐड किया है, स्प्लाइसिंग, कि जो सिंपल सी बात है यार, जब यूकेरियोट्स के दौरान आपका क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए, दैट इज नॉट अ मैच्योर मैसेंजर आरएनए, दैट इज अ प्री मैसेंजर आरएनए। इस प्री मैसेंजर आरएनए को मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए बीच में एक प्रोसेस होता है, उसका नाम क्या है, स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग क्या होती है, ये जो मैसेंजर आरएनए बनता है सिर्फ यूकेरियोट्स में, नॉट इन प्रोकैरियोट्स, यूकेरियोट्स में ये जो मैसेंजर आरएनए बनता है ये इमैच्योर क्यों होता है और ये मैच्योर कैसे होता है, इसको हम शॉर्टली देखते हैं। वैसे स्प्लाइसिंग एक कंप्लीट टॉपिक है, इसको बायोकेमिस्ट्री में हम आगे डिटेल्स में जाके देखेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको डॉक्टर जुबैर डोर क्लोज कर दें, लेकिन यहां पर मैं आपको
सिंपली बता देता हूं कि सप्लाई चेन थोड़ी सी क्या होती है। देखें, डीएनए के बाद जो, बल्कि यहां पर डायग्राम भी हमारी होगी, यहां से बताता हूं। डीएनए के बाद जो आपका आरएनए बनता है, क्या बनता है? आरएनए। अब जो आरएनए बनता है इसमें दो चीजें होती हैं, जो आरएनए बनता है इनमें दो चीजें होती है, एक्सॉन्स एक्सॉन्स एक्सॉन्स, और इनके बीच में होते हैं आपके इंट्रॉन्स। क्या होते हैं? इंट्रॉन्स। मैंने क्या कहा? मैंने कहा यूकेरियोट्स में जब आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है तो डीएनए से आपका क्या बन गया? आरएनए। लेकिन जो आरएनए बनता है ना, उसके जो जीन्स होते हैं, उस जीन्स में दो सेगमेंट्स होते हैं। कितने सेगमेंट्स होते हैं? दो सेगमेंट्स। एक सेगमेंट को हम बोलते हैं एक्सॉन, दूसरे सेगमेंट को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। इनमें फर्क क्या होता है? जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन ईएक्स से एक्सप्रेसिंग रीजन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सप्रेसिंग रीजन, मतलब इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। इनके पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। लेकिन जो आपके इंट्रॉन्स होते हैं, आई एन टी से इंट्रॉन्स, इंटरवेनिंग रीजन, कौन से? इंटरवेनिंग रीजन, ये किसी काम के नहीं होते। इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। समझ आ गई ये चीज? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब आपके डीएनए से आरएनए बनता है तो उसमें दो सेगमेंट्स होते हैं, उसमें आपके एक्सॉन्स भी होते हैं और बीच में क्या होते हैं? इंट्रॉन्स भी होते हैं। अब एक्सॉन्स के पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इंट्रॉन्स के पास कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये जो आपका बनता है, ये बनता है प्री मैसेंजर आरएनए। ये क्या है? प्री या हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अब हमने ये इंट्रॉन्स करने हैं रिमूव। ये क्या करने हैं? रिमूव, क्योंकि इनके पास किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंट्रॉन्स को रिमूव करना है और इन एग्जॉन्स को इकट्ठे जोड़ देना है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इनके बीच में कुछ रह गया है? इनके बीच में कुछ रह गया है? कोई इंट्रॉन्स है? नहीं है। नाउ इट इज कॉल्ड मैच्योर मैसेंजर आरएनए। नाउ इट इज कॉल्ड मैच्योर मैसेंजर आरएनए। ये आपकी होती है सप्लाई चेन, कि ऐसे आपके जो है ना इमैच्योर मैसेंजर आरएनए से मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है। कि हमने बीच में जो इंट्रॉन्स है, जो इंटरवेनिंग रीजन है, उनको रिमूव करना है। उनको क्या करना है? रिमूव करना है। देखें, दो चीजें हैं, एक्सॉन्स ईएक्स से एक्सप्रेसिंग रीजन, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो एक्सप्रेस होती है। इंट्रॉन्स आईएनटी से इंटरवेनिंग रीजन, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। बट जब हम इनको रिमूव करने की बारी आती है तो एक्सॉन्स, हालांकि ईएक्स से एग्जिट बनता है, एक्सॉन्स को रिमूव होना चाहिए, नहीं, यहां पर उलट है, एक्सॉन्स रिमूव नहीं होंगे। इंट्रॉन्स एंड रहने चाहिए, इंट्रॉन्स एंड रहने चाहिए, लेकिन वो एंड नहीं रहते, वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? कि सिंपली ये है कि हमें इंट्रॉन्स को रिमूव करना है और एग्जॉन्स को आपस में ज्वाइन करना है। दिस इज कॉल्ड सप्लाई चेन। और इस तरह आपका प्री मैसेंजर आरएनए क्या बन जाता है? मैच्योर मैसेंजर आरएनए। अब ये बनते कैसे हैं? अब मजीद थोड़ा डेप्थ में आपको बता दूं ताकि हमें सप्लाई साइट म्यूटेशन समझ आ जाए। अब आपका जब कोई एग्जॉन होता है, बल्कि ये म्यूटेशन है तो मैं खुद से स्केच करता हूं डायग्राम को। अब ये आपका एग्जॉन नंबर वन है, ये आपका एग्जॉन नंबर टू है, ये वन है, और ये आपका एग्जॉन नंबर थ्री है। इनके बीच में मैं कहता हूं क्या है? इंट्रॉन इंट्रॉन्स। ये चीज समझ आ गई है? इंट्रॉन नंबर वन है, इंट्रॉन नंबर टू है। अब क्या होता है? अब एक एंजाइम होता है आपका स्प्लाइसियोसोम। कौन सा? स्प्लाइसियोसोम। अब ये एंजाइम जो है ना, काम करता है आपका ये एंजाइम आएगा और इस एंजाइम ने इन इंट्रॉन्स को क्या करना है? रिमूव करना है। जो इंट्रॉन्स जो रिमूव हो रहे हैं उनको रिमूव करना है और इन एग्जॉन्स को आपस में जोड़ देना है। ये आपका काम है स्प्लाइसियोसोम का। स्प्लाइसियोसोम का काम समझ आ गया? अब ये कैसे तोड़ता है, इसको रिमूव कैसे करता है इंट्रॉन को, और एग्जॉन्स को जोड़ता कैसे, वो आपने समझना है। अब आपका ना यहां पर दो साइड्स, आपको पता है एक फाइव प्राइम साइट होती है, एक थ्री प्राइम साइट होती है। अब जो आपका इंट्रॉन होता है उसके ऊपर ये वाली साइड कौन सी होगी? थ्री प्राइम। ये वाली साइड कौन सी होगी? फाइव प्राइम। आपके इंट्रॉन्स के ऊपर एक रीजन होता है, रिच रीजन होता है। यहां पर आपका रीजन होता है जी यू रीजन। कौन सा? जी यू, क्योंकि ये आरएनए है तो यूरासिल होगा यहां पर।
जी यू यानी गुआनिन और यूरिडीन, आपकी ये दो नाइट्रोजनस बेसिस वहां पे, आप ये दो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे होते हैं। आपका स्प्लाइसोसोम जो है ना जी यू रीजन को ढूंढेगा। अब जी यू रीजन कहाँ पे है, 5' साइट के ऊपर, और ये इसको ढूंढ के जहां पर भी जी यू रीजन होगा वहां पर जाकर क्या कर देगा, कट लगा देगा। क्या कर देगा, कट, कि यहां से इसको कट लगा देगा, ये कट जाएगा। अब ये स्प्लाइसोसोम आगे जाता जाएगा 3' साइट की तरफ जाता जाएगा। अब वो एक और रीजन ढूंढ रहा है जिसका नाम होता है ए जी रीजन। कौन सा, ए जी रीजन। अब ए जी रीजन पड़ा होता है आपके 3' सप्लाइड साइड के ऊपर, किसके ऊपर, जब वो यहां पर पहुंचता है तो वो यहां पर भी जाके अपना एक कट लगा देता है, यहां पर कट खत्म कर देता है। तो पहला कट कहां पे लगाता है, 5' सप्लाई साइड के ऊपर ढूंढता है जी यू रीजन, फिर मूव करता जाता है, जब उसको मिलता है आपका ए जी रीजन एट 3' सप्लाई साइड, तो यहां पर भी कट, जब इसको कट लग गया तो ये टूट गया अंदर से, तो ये बाहर रिमूव हो जाता है, इंट्रॉन रिमूव हो गया। जब इंट्रॉन यहां पर रहेगा ही नहीं, इंट्रॉन हो गया रिमूव, तो आपके एग्जांस आपस में क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इस तरह एग्जांस मिल जाते हैं, इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, इधर भी ऐसे ही होगा, इंट्रॉन रिमूव एग्जॉन मिल जाएगा। समझ आ गई ये वाला स्टेप, ये नहीं समझ आया रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। चले जी, जी यू से गिव यू आ गिफ्ट, ए जी आ गिफ्ट, गिव यू आ गिफ्ट, ठीक है, ऐसे ही आपने याद रखना। रीजन कौन से होते हैं, गिव यू आ गिफ्ट, रीजन आपको भूलेंगे नहीं कि 5' पे कौन सा रीजन था और 3' पे कौन सा रीजन था, गिव यू आ गिफ्ट। समझ आ गई है। अब होती है हमारी म्यूटेशन इन सप्लाई साइट्स, अब आएगा मजा, ट्विस्ट आएगा। यहां तक समझ आ गया, अगर ये समझ नहीं आया तो अगला समझ नहीं आएगा, तो ये समझ आ गया तो अगला भी समझ आ जाएगा, तो मुझे बता दे अगर समझ नहीं आया तो, आगे ना समझ। चले अब म्यूटेशन होती हैं। अब ये आपका एग्जॉन 1 है, ये आपका क्या था, ये एग्जॉन 1 है, ये एग्जॉन 2 है, ये एग्जॉन 3 है, और ये एग्जॉन 1, ये एग्जॉन 2, ये दूसरी एग्जांपल है। इसको आप पहले आप यहां तक समझ ले, ठीक है, कि ये क्या होता है। अब आपने देख लिया एग्जॉन 1, एग्जॉन 2, एग्जॉन 3, तीन एग्जॉन्स हैं, और उनके बीच में ये ब्लू वाले क्या हैं आपके, इंट्रॉन्स हैं। हमने इंट्रॉन्स को रिमूव करना है और एग्जॉन को क्या करना है, ऐड करना है। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि चलें जी हम कुछ ऐसा करते हैं कि ऊपर से स्प्लाइसोसोम आया, क्या आया, स्प्लाइसोसोम आया। अब स्प्लाइसोसोम ढूंढेगा 5' रीजन पे कौन सा है रिच रीजन, गिव यू जी यू रीजन। अब जब वो जी यू रीजन ढूंढता हुआ आया तो उसको जी यू रीजन के ऊपर कौन सा रीजन मिला, उसने आके यहां से उसको आके मिला, यहां पे कौन सा था, नहीं यहां पर नहीं, उसको यहां पे आके मिला जहां पर स्टार बना हुआ रेड सा, उसको यहां पे क्या मिला, जी यू रीजन। हालांकि उसको मिलना कहां पे चाहिए था, यहां पर 5', यहां पर इंट्रॉन का 3', लेकिन म्यूटेशंस हुई आरएनए के अंदर, म्यूटेशंस हुई कि 5' के ऊपर जो जी यू रीजन था उसमें म्यूटेशन हुई, वो जी यू से कुछ और बन गया, जी ए बन गया। अब जी ए के ऊपर तो वो कट नहीं लगा सकता आपका स्प्लाइसोसोम, तो वो जब यहां पे आया तो उसको यहां पर कुछ भी नहीं मिला, यहां पर उसको कुछ भी नहीं मिला, तो वो आगे मूव करता हुआ गया, यहां पर उसको क्या मिला, ए जी रीजन, उसने यहां पर जगह जाके कट लगा दिया। अब यहां पर छोटा सा हिस्सा तो बाहर रिमूव हो जाएगा इंट्रॉन का, कितना, नहीं समझ आ रही है चीज, इंट्रॉन का छोटा सा हिस्सा बाहर रिमूव हो जाएगा लेकिन पूरे का पूरा इंट्रॉन रह जाएगा। अब तो इंट्रॉन रिमूव नहीं हुआ ना, तो अब देखें एग्जॉन 1 रह गया, इंट्रॉन भी रह गया, एग्जॉन 2 भी रह गया, लेकिन यहां पर जो दूसरे इंट्रॉन पे जो स्प्लाइसिंग हुई यहां पर वो नॉर्मल थी, कि यहां पर आपका जी यू रीजन था और यहां पर ए जी रीजन था, यहां पर आपका स्प्लाइसोसोम आया, यहां से कट लगाया, आगे गया, यहां पर कट लगा दिया, ये इंट्रॉन रिमूव हो गया, यहां पर नॉर्मल स्प्लाइसिंग हो गई, लेकिन यहां पर क्योंकि म्यूटेशन हुई पड़ी थी तो यहां पर नॉर्मल स्प्लाइसिंग नहीं हुई, तो यहां पर आपका इंट्रॉन बीच में रह गया। दिस इज कॉल्ड सप्लाई साइट म्यूटेशन। जो स्प्लाइसिंग साइट्स थी उनमें क्या हो गई है, म्यूटेशन। समझ आ गई है। जो 5' साइट होती है इसे बोलते हैं 5' डोनर सप्लाई साइट, डोनर सप्लाई साइट, कि यहां से मतलब चीज स्टार्ट हो रही है, यहां से कट स्टार्ट हो रहा है। और जो 3' होती है, सॉरी ये 5', और जो 3' होती है, 3' होती है 3' एक्सेप्टर सप्लाई साइट, कि वो कट को एक्सेप्ट करती है आखिर में जाके, और यहां पे कट एंड होता है। ये समझ आ गई है कि ये क्यों रह गया है, कि नहीं समझ आई,
है। अब इधर आ जाए दूसरी एग्जाम्पल पे, इसमें आपका एग्जान वन और एग्जान टू रह गया, बीच वाला सारा रिमूव हो गया, बीच वाला सारा क्या हो गया रिमूव। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि आपका स्प्लाइसिसोम आया, कौन आया स्प्लाइसिसोम, वो इस इंट्रॉन के पास आया, उसने यहां पर इसके 5' डोनर साइट के ऊपर क्या ढूंढेगा, वो जी यू रीजन, इसको यहां पे कट लगा देगा। अब आगे मूव करेगा 3' एक्सेप्टर साइट के ऊपर क्या ढूंढेगा, ए जी रीजन, इसको कट लगा देगा, तो ये वाला इंट्रॉन क्या हो जाएगा रिमूव। ये इंट्रॉन रिमूव हो गया, तो अब आपका एग्जान वन यानी ये वाला इंट्रॉन रिमूव हो गया, ये समझ लिया आपने, ये वाला इंट्रॉन क्या हो गया रिमूव। अब एग्जान्स में हुई म्यूटेशन, किस में, एग्जान के अंदर म्यूटेशन हो गई, किस तरह कि जो एग्जान का स्टार था यहां पर, ये जहां पर स्टार बना हुआ है यहां पर म्यूटेशन कुछ इस तरह हुई कि लेट्स सपोज दैट यहां पर इसका रीजन था जी सी, लेकिन अब म्यूटेशन हुई जी सी की जगह पे आ गया यू, ये तो रीजन कौन सा बन गया जी यू रीजन, हालांकि जी यू रीजन को कहां पे होना चाहिए था इंट्रॉन्स के स्टार्ट में, इंट्रॉन के 5' रीजन में, लेकिन ये एग्जान के 5' रीजन में क्या आ रहा है जी यू रीजन। स्प्लाइसिसोम तो और कुछ भी नहीं जानता, वो किसको जानता है सिर्फ जी यू रीजन को, किसको जानता है कि जहां पर जी यू रीजन होगा वहां पर मैंने क्या लगाना है कट लगाना है, उसने यहां पर देखा जी यू रीजन है, उसने यहां पर कट लगा देना है। अब वो आगे मूव करता जाएगा करता जाएगा, उसको यहां पर ए जी रीजन नहीं मिला, उसको यहां पे 3' पे जाके क्या मिलेगा ए जी रीजन, आगे वो यहां पे कट लगा देगा। अब तो ये सारा रिमूव हो जाएगा ना, एग्जान भी रिमूव हो गया और साथ में इंट्रॉन भी रिमूव हो गया, तो आपका कौन कौन सा हिस्सा रिमूव हो गया, पहले ये वाला रिमूव हो गया था, अब यहां से लेकर ये वाला रिमूव हो गया, पीछे कौन सा रह जाएगा, पीछे पीछे एग्जान वन एंड थ्री रह जाएगा, तो एग्जान वन एंड थ्री मिल जाएंगे, लेकिन एग्जान टू जो कि हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो क्या हो गई है डिलीट हो गई है। तो ये है आपकी सप्लाई साइट म्यूटेशन, इसमें क्या था कि जो अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ये वाली, देखें देखें डॉक्टर साहब वो जो है ना 5' को नहीं ढूंढता, उसको नहीं पता 5' कौन सा है 3' कौन सा है, ये मैंने वैसे कहा है कि आपका जी यू रीजन कहां पे होता है 5' पे होता है और ए जी कहां पे होता है 3' पे होता है, नॉर्मली नॉर्मली इंट्रॉन्स के 5' पे जी यू होता है और इंट्रॉन के 3' पे क्या होता है ए जी रीजन। स्प्लाइसिसोम आता है जी यू रीजन को ढूंढता है, यहां पे कट लगाता है, आगे मूव करता है 3' पे ए जी ढूंढता है, वहां पर भी कट लगाता है और इसको रिमूव कर देता है, लेकिन स्प्लाइसिसोम का काम है किसको ढूंढना जी यू रीजन को ढूंढना। अब यहां पर हुई म्यूटेशंस एग्जॉन्स के 5' पे, यहां पर म्यूटेशन हुई 5' पे और यहां पर जी सी से लेट्स सपोज इट बन गई जी यू। अब जी यू क्या है, स्प्लाइसिसोम इसको ढूंढेगा, ये उसको जहां भी मिलेगा उसने कट लगा देना है, उसको ये यहां पर मिला वो यहां पर कट लगा देगा, आगे मूव करेगा उसको अभी तक ए जी रीजन नहीं मिला, उसको ए जी रीजन नॉर्मली कहां मिलता है 3' रीजन पे, वो यहां पर जाके कट लगाएगा, तो ये सारा क्या हो जाएगा आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर इस वाले एग्जाम्पल में आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या हो रही है डिलीट, और इस वाले एग्जाम्पल में जो इन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये वाली वो क्या हो रही है एड, दिस इज कॉल्ड योर सप्लाई साइड म्यूटेशन। समझ आ गई है। अब ऐसा भी हो सकता है जो कि इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया, मैं आपको इजाफी बता रहा हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए, कि यहां पे आया, यहां पे आपके जी यू रीजन उसको मिला एग्जॉन के स्टार्ट में, म्यूटेशन हो गई थी जी सी या जी जी से क्या बन गया जी यू, उसने यहां पे कट लगा दिया, जब वो यहां से कट लगाएगा आगे मूव करेगा तो उसको एग्जॉन टू पर यहां पर भी म्यूटेशन हुई पड़ी थी और यहां पर उसको पहले ए यू था, अब उसको मिल गया ए जी, मतलब यहां पे उसने कट खत्म करना है, तो वो यहां पर कट खत्म कर देगा, तो आपका एग्जॉन टू सिर्फ रिमूव हो जाएगा। समझ आ गई है। तो आपका एग्जॉन टू क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, बाकी सारे का सारा वैसे पड़ा होगा। तो मतलब मुख्तलिफ किस्म की इसमें चेंजमेंट्स आ सकती है। स्प्लाइसिसोम जहां पर जी यू देखेगा वहां पर कट स्टार्ट कर देगा, जहां पर ए जी देखेगा वहां पर कट फिनिश कर देगा, तो उसके बीच में जो भी हिस्सा आएगा वो क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके इंट्रॉन में जो स्टार्ट में जो आपका जी यू रीजन था ये म्यूटेट करके जी सी बन गया तो वो यहां पर कट नहीं लगाएगा, तो इंट्रॉन आपका उसके बीच में रह जाएगा। समझ आ गई है चीज, सप्लाई साइड म्यूटेशन समझ आ गई है। चले इसकी हम रीडिंग करते हैं, आई होप सो दैट कि अब आपके लिए बिल्कुल चीजें आसान हो जाएंगी। सही नजर आ रहा है। Mutations in supply sites. Mutation in supply sites affect the accuracy of introns removal from heterogeneous nuclear RNA or pre messenger
आरएनए ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग नोन एज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद में हो रहा था। ये डीएनए, डीएनए से क्या बना आरएनए, दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन मैंने कहा था ये प्री मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर इसमें क्या होती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद में होती है स्प्लाइसिंग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग और इट इज आल्सो कॉल्ड स्प्लाइसिंग। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपकी जो इंट्रॉन्स का रिमूवल की जो एक्यूरेसी है वो सही तरह से रिमूव नहीं हो पाता, या तो इंट्रॉन्स बीच में रह जाते हैं या साथ में एग्जॉन्स को भी डिलीट करा देते हैं। इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन द मैसेंजर आरएनए फॉर्म इज नॉट अ मैच्योर मैसेंजर आरएनए, रादर इट इज अ प्री मैसेंजर आरएनए बिकॉज एग्जॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। एग्जॉन्स के बीच में क्या होते हैं इंट्रॉन्स, एंड दीज इंट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव्ड एंड एग्जॉन्स जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म द मैच्योर मैसेंजर आरएनए, दिस इज कॉल्ड योर स्प्लाइसिंग। इसमें कोई लाइन समझ ना आई हो आपको, समझ आ गई है। इंट्रॉन्स हैव 5 प्राइम डोनर सप्लाई साइट एंड 3 प्राइम एक्सेप्टर सप्लाई साइट, ये मैंने बता दिया आपको। 5 prime donor supply site contains GU sequence give U and it is the site where splicing starts by spliceosome enzyme, yahan par cut start hota hai and nick happens physically. 3 prime supply site contains AG AGIFT sequence and it is site where splice ends up causing removal of introns and exons will join together. Matlab ye intron tha, yahan par GU region, yahan par AG region, यहाँ कट स्टार्ट होगा, यहाँ फिनिश होगा, ये क्या हो जाएगा रिमूव, और एग्जॉन्स पीछे वाले आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो एग्जॉन्स थे वो आपस में मिल जाएंगे। समझ आ गई है ये, नहीं समझ आई डॉक्टर भैया, समझ आ गई है, पक्की बात है डॉक्टर जवेद, आपको समझ आ गई, कोई क्वेश्चन हो। अब म्यूटेशंस क्या होती है, म्यूटेशंस इन 5 प्राइम डोनर सप्लाई साइट जीसी, अब यहाँ पर जी यू की बजाय क्या बन गया ये जीसी, and mutations in 3 prime supply site at AG may lead to removal of exon along with intron from messenger RNA or may cause the remaining of, ab isme kya keh raha hai, yahan par GC nahi GU hona chahiye, give you, theek hai, wo kehta hai GU mein changements aa gayi hain aur ya AG mein, AG mein sigmas isme mutations aa gayi hain, to kya hoga, ya to aapka introns beech mein reh jayega ya fir aapka exons bhi remove ho jayega, ya to important information delete ho jayengi ya fir जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है वो बीच में रह जाएंगी। ये मैंने दो एग्जांपल्स आपको दी थी, फिर मैंने मजीद भी आपको एग्जांपल दी, समझ आ गया सप्लाई साइट म्यूटेशंस। अब एग्जांपल्स ऑफ सप्लाई साइट, पहला है बीटा थैलेसीमिया, कीप इन माइंड अल्फा थैलेसीमिया इज द एग्जांपल्स ऑफ लार्ज सेगमेंट डिलीशन, बीटा थैलेसीमिया इज द एग्जांपल ऑफ सप्लाई साइट्स। ठीक है, तो ये देख ले कि आप बीएस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बीएस, मतलब बीटा थैलेसीमिया बिकॉज ऑफ सप्लाई साइट, लार्ज सेगमेंट डिलीशन स्टार्ट्स फ्रॉम एल बट सप्लाई साइट म्यूटेशन स्टार्ट फ्रॉम सप्लाई एस, सो यू आर डूइंग बीएस, आप बीएस कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज दैट कोई बंदा बीएस कर रहा है तो वो बीटा थैलेसीमिया सप्लाई साइट म्यूटेशन, तो बाकी अल्फा थैलेसीमिया फिर कौन सी होगी, वो आपकी होगी फिर लार्ज सेगमेंट डिलीशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें डिलीशन ऑफ बीटा जीन्स एंड क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम कौन सा था, नंबर वो कौन, नंबर 16 सॉरी कौन सा था वो, कहां पे गया, अल्फा थैलेसीमिया कौन सा था नंबर 16, लेकिन इसका कौन सा नंबर 11, इसका नंबर कौन सा है 11, क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर सप्लाई साइट म्यूटेशन की वजह से, किसकी वजह से सप्लाई सेट म्यूटेशन की वजह से, उसके जो इंपॉर्टेंट एग्जॉन्स थे वो वाले एग्जॉन्स जिनके ऊपर कौन से जीन्स थे बीटा जीन्स थे, अब यही बीटा जीन्स क्या बनाते हैं हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फिर सुन ले मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो वाले एग्जॉन्स जिन एग्जॉन्स के ऊपर बीटा जीन्स थे और बीटा जीन्स आपकी हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बनाने में काम आते हैं, तो वो वाले एग्जॉन्स जिनके ऊपर बीटा जीन्स थे वो वाले एग्जॉन क्या हो जाएंगे रिमूव, उनकी डिलीशन हो जाएगी सप्लाई सेट की वजह से, अभी हमने ऊपर पढ़ा उसकी क्या हो जाएगी डिलीशन हो जाएगी, जब उसकी डिलीशन होगी तो मतलब ये वाले जीन्स भी क्या हो जाएंगे डिलीट, जब ये जीन डिलीट होंगे तो क्या आपके बीटा चेन बनेगी, नहीं तो आपको क्या हो जाएगी बीटा थैलेसीमिया, वही बात बता रहा है, लीड्स टू बीटा थैलेसीमिया बिकॉज ऑफ बीटा जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीटा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आपके पास टे सेस डिजीज में क्या होता है कि हाँ
यहां पर आपका क्रोमोसोम नंबर 15 में होता है प्रॉब्लम, कौन से क्रोमोसोम 15। अब क्या होता है, आपके एक आपका एंजाइम होता है हेक्सोज मैनीडेज ए एंजाइम। अब इस एंजाइम का काम होता है कि आपके ब्रेन में जितने भी लिपिड्स हैं, ब्रेन सेल्स में जो लिपिड्स हैं उनकी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। अब इस हेक्सोज ए मैनीडेज एंजाइम के लिए जो जीन होते हैं वो जीन कहां पर होते हैं आपके, वो आपके जीन कहां पे होते हैं आपके क्रोमोसोम नंबर 15 में। अब क्रोमोसोम नंबर 15 में हुई है सप्लाई साइट म्यूटेशन और वो वाले एक्सॉन्स डिलीट हो गए हैं जिन एक्सॉन्स के पास जीन थे, कौन से जीन थे जो आपके हेक्सोज मैनीडेज एंजाइम बनाते थे, है ना। अब एक्सॉन रिमूव, जीन होंगे नहीं, जीन नहीं होगा तो एंजाइम होगा नहीं, एंजाइम नहीं होगा तो लिपिड की ब्रेकडाउन होगी नहीं, मतलब आपका लिपिड क्या कर जाएगा, अकुमुलेट कर जाएगा कहां पर, आपके ब्रेन में, ब्रेन सेल्स में। दिस इज कॉल्ड टेचेस डिजीज। तो इससे आपको क्या हो जाती है, टेचेस डिजीज हो जाती है। मैं रिपीट करता हूं, क्रोमोसोम नंबर 15 में सप्लाई साइट म्यूटेशन हुई, वो वाले एग्जॉन्स डिलीट हो गए जिनके पास जीन्स थे इस एंजाइम के लिए, तो एग्जॉन्स नहीं, जीन्स नहीं, एंजाइम्स नहीं, ब्रेकडाउन नहीं, तो मतलब लिपिड्स की एक्युमुलेशन हो जाएगी, लिपिड्स ब्रेकडाउन नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एक्युमुलेशन इन ब्रेन, दिस इज कॉल्ड टेचेस डिजीज। और क्रोमोसोम कौन सा वाला, क्रोमोसोम नंबर 15। समझ आ गया, नहीं समझ आया। डिलीशन ऑफ हेक्साजीन, अब जो इस एंजाइम को कंट्रोल कर रहे होते हैं जीन, उनका नाम होता है हेक्साजीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 15 कॉजेस टीसेज डिजीज। हेक्साजीन इज रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बीटा हेक्सोज मैनीडेज एंजाइम, दिस एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स इन ब्रेन, सो बीटा हेक्सोज मैनीडेज डेफिशिएंसी लीडिंग टू एक्युमुलेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन ब्रेन दैट अफेक्ट्स द नर्व सेल्स, आपके नर्व सेल्स को डिफेक्ट करता है और कॉज करता है टीसेज डिजीज। समझ आ गई आप, ये टीसेज डिजीज कैसे होती है, बस सिंपल है। यहाँ पर इसको हम पैथो में डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज अल्फा थैलेसीमिया, व्हाट इज बीटा थैलेसीमिया, व्हाट इज योर टीसेज डिजीज। अब सिंपल यहाँ पर देखेंगे किसकी वजह से और क्यों हो रही है। नेक्स्ट आपकी गॉचर डिजीज, इसमें क्या होता है, डिलीशन ऑफ जीबीए जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 1 लीड्स टू गॉचर डिजीज। जीबीए जीन इनकोड्स ग्लूकोसाइनोक्राइनोलाइज एंजाइम दैट डिग्रेड्स। अब इसमें क्या होता है, सेम लाइक ये टीसेज डिजीज की तरह की होती है, इसमें आपका जो क्रोमोसोम होता है वो नंबर 1 होता है और इसके ऊपर जीन कौन सा होता है, इसके ऊपर एग्जॉन, और उन एग्जॉन के ऊपर जीन होता है आपका जीबीए जीन। जीबीए जीन जैसा कि नाम खुद बता रहा है, ये एक एंजाइम को इनकोड करता है, एंजाइम का नाम होता है ग्लूको सेरिब्रोसाइडेज। अब ग्लूको सेरिब्रोसाइडेज का काम क्या होता है, ग्लूको सेरिब्रोसाइडेज आपकी स्पेशल लिपिड्स टाइप जिसका नाम होता है ग्लूकोसेरिब्रोसाइड लिपिड्स, इनकी करता है ब्रेक डाउन, इनकी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, कहां पर, आपके लिवर में और स्प्लीन में, और स्प्लीन में और बोन मैरो में, और कहां पर, बोन मैरो। मैं रिपीट करता हूं, इसको थोड़ा लंबा हो गया था। वो कहते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 उसके ऊपर जो एग्जॉन्स होते हैं उनके पास जीन होते हैं जीबीए जीन। जीबीए जीन एक एंजाइम को इनकोड करते हैं जिसका नाम होता है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम। अब ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम जैसा कि नाम बता रहा है, ये लिपिड होते हैं ग्लूकोसेरिब्रोसाइड लिपिड्स, और ये लिपिड्स कहां पे होते हैं, आपके लिवर, ब्रेन और स्प्लीन में। ये इन लिपिड्स की कराता है ब्रेक डाउन, कौन कराता है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। ये सारी ये स्केच समझ आ गया सारा। अब क्या होता है कि आपके क्रोमोसोम नंबर 1 में होती है सप्लाई साइट म्यूटेशंस, मतलब आपका एग्जॉन क्या हो जाता है, डिलीट। जब एग्जॉन डिलीट हो जाएगा तो उसके ऊपर जो जीन्स थे वो भी क्या हो जाएंगे, डिलीट, तो आपका ये एंजाइम की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। किस एंजाइम की, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपके ग्लूकोसेरिब्रोसाइड लिपिड्स की जो ब्रेक डाउन थी वो भी क्या हो जाएगी, कम, इनकी ब्रेक डाउन कम होगी। जब इनकी ब्रेक डाउन कम होगी मतलब आपका ये जो ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज जो लिपिड्स हैं ये अकोमोलेट कर जाएंगे, कहां पर, आपके लिवर में, स्प्लीन में और ब्रेन में। दिस इज कॉल्ड योर गॉचर डिजीज। समझ आ गई है, या रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है,
ये एग्जान नहीं बनेंगे, सिंपल सी बात है, जीन नहीं बनेगा, जीन नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो ब्रेक डाउन नहीं होगी, ब्रेक डाउन नहीं होगी तो ग्लूकोसाइड लिपिड्स इंक्रीज कर जाएंगे, एक्युमुलेट कर जाएंगे कहां पर, आपके लिवर स्प्लीन और ब्रेन में, दिस इज कॉल्ड योर गुचर डिजीज। समझ आ गई है, नहीं समझ आई, आसान सा था, सिंपल सा। डिलीशन ऑफ GBA ग्लूकोसेरेब्रोडाइज जीन एंड क्रोमोसोम 1 लीड्स टू गुचर डिजीज। GBA जीन लीड्स ग्लूकोसेरेब्रोसाइड दैट डिग्रेड्स ग्लूकोसेरेब्रोसाइड लिपिड्स थ्रू आउट द बॉडी, सो डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ ग्लूकोसेरेब्रोसाइड लिपिड्स थ्रू आउट द बॉडी स्पेशली इन बोन मैरो स्प्लीन एंड लिवर कॉजिंग गुचर डिजीज। समझ आ गया, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कुछ चीज समझ ना आई हो आपको है। अब हम इसको थोड़ा सा, कहाँ पे गई हमारी फर्स्ट एड की बुक, हमने ओपन की थी ना फर्स्ट एड की बुक, ये रही हमारी फर्स्ट एड की बुक। तो फर्स्ट एड की बुक से देखें सप्लाई साइड म्यूटेशन क्या कहते हैं। रिटेन्ड इंट्रॉन इन मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए में इंट्रॉन्स रह जाते हैं, वो रिमूव नहीं होते। प्रोटीन विद इंपेयर्ड और अल्टर्ड फंक्शन, जो प्रोटीन बनती है वो ठीक नहीं होती, या तो इंट्रॉन्स रह जाते हैं या फिर एग्जॉन्स भी डिलीट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड रेयर कॉजेज ऑफ कैंसर, डिमेंशिया, वही आपकी ब्रेन की पावर, मेंटल रिटार्डेशन, एपिलिप्सी, आपको सीजर्स वगैरह होंगे, झटके वगैरह लगेंगे, सम टाइप्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया, आपको गचर डिजीज होगी, और आपको मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम ये होती है कि आपके हाथ बड़े बड़े होते हैं, हाथ क्या होते हैं, वो बाजू भी लंबे लंबे होते हैं उसके, हाथ भी लंबे लंबे से होते हैं उसके, ठीक है, और उसका जो फेस होता है वो ऐसे लंबा सा होता है, बताता हूँ मैं आपको इसको, हम इंशाल्लाह मार्फन सिंड्रोम को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसका फेस क्या होगा, ऐसे लंबा सा फेस क्या होगा उसका, लंबा सा होगा। उसके हाथ भी क्या होंगे, ऐसे बाजू लंबे लंबे से और हाथ भी ऐसे लंबे लंबे से, और उसकी जो टांगे होंगी वो भी ऐसे लंबी लंबी सी होंगी, और यहाँ पर उसका टार्थ जो है ना वो शॉर्ट सा होगा। बस इतना सा देख लें कि उसकी ये वाली जगह शॉर्ट सी होगी, टांगे लंबी होंगी, बाजू उसके लंबे होंगे, फेस भी उसका इस तरह फ्लैट सा लंबा सा होगा, ठीक है। ये आपकी मार्फन सिंड्रोम होती है, मार्फन सिंड्रोम के सिम्टम्स हम डिटेल में इसको आगे जाके देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आगे हम इसको देखेंगे। बस ये सिंपल आप ये याद रखें कि मार्फन सिंड्रोम किसकी वजह से होती है, सप्लाई साइड म्यूटेशन की वजह से होती है, ठीक है। समझ आ गया, कोई सवाल हो या कोई चीज समझ आए या कोई चीज रह गई हो तो यू मे आस्क क्वेश्चन है। ओके, अल्लाह हाफिज़, क्लास डिसमिस्ड।